आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान। पश्चिम बंगाल में फिर हुई हिंसा। इंदौर और खंडवा से मोदी का विपक्ष पर हमला। हमारे साथ काम है और उनके साथ कारनामे हैं। भोपाल में लोकसभा का धर्मयुद्ध। दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा की किस्मत ईवीएम में कैद। प्रहलाद टिप्पणियां का कबीर गायन, तो नवजोत सिंह सिद्धू को मोदी लगे चूड़ी वाली बहू जैसे। और गर्मी से मिली थोड़ी राहत, लेकिन धूल भरी हवाओं ने किया परेशान, कई इलाकों में बारिश। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बावजूद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इस चरण में मध्य प्रदेश की भी 8 सीटों पर वोट डाले गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने दिल्ली में वोट डाला। राहुल ने कहा, इस चुनाव में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव अब खत्म होने वाला है और आपने मतलब पूरा दम लगा के अपना काम किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव बेसिकली तीन चार विषयों पर लड़ा गया है और ये जनता के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे नहीं है। सबसे जरूरी मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा किसानों की हालत, तीसरा मुद्दा जो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी हिंदुस्तान की शक्ति का अर्थव्यवस्था, भैया शांत हो जाए, अर्थव्यवस्था का नुकसान किया उस पर, और चौथा भ्रष्टाचार, राफेल, अनिल अंबानी, ये मुद्दे थे। बहुत अच्छी लड़ाई हुई। नरेंद्र मोदी ने नफरत का प्रयोग किया, हमने प्यार का प्रयोग किया। भाई नीचे उतरो भाई, लगता है कि प्यार जीतने वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हुआ है। दिल्ली पर अब तक बीजेपी का कब्जा था, वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार 7 सीटें
वो जीतेगी, लेकिन क्या होगा ये आने वाली 23 तारीख को पता चल जाएगा। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विपक्षी दल झूठ और प्रपंच के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने काम के सहारे मैदान में उतरी है। मोदी इंदौर और खंडवा में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। क्योंकि यहां की कांग्रेस सरकार ने उन किसानों की लिस्ट ही नहीं भेजी जिनके खाते में पैसा जमा कराने हैं। भाइयों और बहनों, जो धोखा, जो फरेब कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों के साथ किया है, वही झूठ और अफवाह फैलाने का काम जनजातीय परिवारों में भी किया जा रहा है। बीते 5 वर्ष से दिल्ली में भाजपा की सरकार है। 15 वर्ष तक यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन हमने आदिवासियों की जमीन पर आंच नहीं आने दी। जब तक, और ये मेरे शब्द लिखते रहिए, जब तक मोदी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, तब तक आदिवासी अधिकारों को खरोंच तक नहीं आने दी जाएगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। मोदी की ये दोनों सभाएं 19 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए थी, और इन दोनों सीटों पर जहां अभी चुनाव के लिए वो गए, वहां बीजेपी का कब्जा है। इंदौर और खंडवा किसी भी तरह से कांग्रेस वापस अपने कब्जे में लेना चाहती हैं, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। छुटपुट घटनाओं के साथ भोपाल में 6ठे चरण का मतदान संपन्न हुआ। हाई प्रोफाइल माने जाने वाली भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मतदान कर लोगों से वोट करने की अपील की। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, महापौर आलोक शर्मा, आईजी जयदीप प्रसाद, कलेक्टर सुदामा खाड़े सहित भोपाल की जनता ने अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डाले। मतदान के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह कुछ परेशान नजर आए। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
पूरे पूरा मुंह पे आईडिया है। अजय भाई थोड़ा पीछे करो ना प्लीज, पूरी स्क्रीन आ गई। मतदान किया, कई गुना अधिक मतों से विजयी होंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या वोटिंग परसेंटेज ज्यादा क्या ये वोटिंग परसेंट बढ़ेगा? ये दिग्विजय सिंह जी को ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है। आज थोड़ी गर्मी कम हो गई है, कुछ अभी बादल टाइप भी दिख रहा था, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और हर लोकसभा में पूरे मध्य प्रदेश की 10-10% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है पिछले 2014। तो 14 में तो लहर थी नरेंद्र मोदी की और शिवराज की, सब थे। इसके बाद हमने इनको उखाड़ फेंका तीन स्टेट्स में। कमलनाथ जी की सरकार यहाँ बन गई, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार बन गई, बघेल जी की छत्तीसगढ़ में बन गई। तो ये इंडिकेशंस हैं। और दूसरा मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वोट जो परसेंटेज बढ़ रहा है, इस बात के लिए नहीं देगा कि भैया मोदी जी बड़ा अच्छा किया आपने कि 15 लाख जो आपने घोषणा की थी नहीं दिए, बड़ा अच्छा किया आपने कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं दिया, बड़ा अच्छा किया कि आपने राम मंदिर नहीं बनाया, बड़ा अच्छा किया आपने कि 370 ख़त्म करने की आप कह रहे थे वो नहीं किया, और नोटबंदी और GST से आपने कारोबार बंद कर दिए, करोड़ लोग बेरोजगार। इस बात के लिए वोट नहीं देगा, वोट इस बात के लिए देगा कि वे चेंज चाहते हैं, और चेंज चाहते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर आए, और इसी की वजह से चेंज हुआ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और उसमें भोपाल का सिर्फ एक ही समीकरण है, सामाजिक सौहार्द और प्रेम। हम समझते हैं कि भोपाल की जनता नफरत की राजनीति को दरकिनार करके प्रेम और सौहार्द और सामाजिक सौहार्द के लिए, अपनी पहचान के लिए आज वोट करने जा रही है। आज भोपाल का भविष्य भोपाल की जनता के हाथ में है। छठे चरण का मतदान जारी है, हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, आइए हमसे बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है? मैम, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो अपने वेमेन्स सेफ्टी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जो सरकारें आती हैं, मुद्दे लेकर आती हैं, विकास की बात करती हैं, तो विकास आपको दिखता है? जो विकास हो रहा है तो वो विकास की फिर से बात हुई है, रोजगार की बात हुई है? रोजगार तो नहीं लगता हो रहे हैं, लेकिन विकास तो थोड़ा बहुत तो हो रहा है, नॉट 100% नहीं है, लेकिन दिख रहे थे बस। आप बताइए, जैसे विकास की बात हो रही है, आपने किन मुद्दों को लेकर, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, जो भी सरकार बनेगी क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, जो देश के जो एस्पिरेशंस है, हमारे नए जनरेशंस का जो एस्पिरेशन है, यूथ के जो एस्पिरेशंस है, उनके जो सपना है उसको साकार करने के लिए ऐसा व्यवस्था बनाए। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा देश तरक्की करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ऐसे बिजनेस के और माहौल बनाएं ताकि लोग यहाँ आए, इन्वेस्ट करें, हमारे ग्रोथ बढ़े, और साथ ही साथ यूथ के जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं, और ओवरऑल देश में जो है सद्भाव बना रहे, शांति बना रहे, आपस में कम्युनल हार्मनी बना रहे, ऐसे सरकार होना चाहिए। तो मतदाता का बोल साफ साफ कहना है कि देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए ये वोट किए जा रहे हैं, देश का विकास हो, देश आगे बढ़े। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज़, भोपाल। जैसा कि हम लोग यहाँ पे वोट डालने आए थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है वोट डाल के, मदर्स डे है ये, अभी मेरे बगल वालों ने कहा, बट हमारा मेन मुद्दा है कि जितने भी युवा लोग हैं और जो बेरोज़गार हैं, सबसे पहले ये है कि वो जिनका भी माइंड खाली है उनको बिज़ी किया जाए, तो जितने भी क्राइम हमारे देश में हो रहे हैं उससे हम बच जाएंगे।
दूसरी चीज़ मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि हम युवा वर्ग हैं, इस चीज़ को समझ पाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन में और डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो भी नेता आए चुन के हमारे यहाँ, वो कम से कम युवा वर्ग को बिजी करने के बारे में, उनको रोज़गार देने के बारे में अगर सोचेगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप घट जाएंगी। और जो अभी पुलवामा हमला हुआ था, तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई सैनिक जब ना रह जाए तो उसके बाद हम श्रद्धांजलि मनाएं, इतनी सारी शोक सभाएं करें, उसके पहले ही हम कुछ सोचें ना कि ऐसी चीज़ें हो ना पाएं। जो ऊपर की कुदरती देन है उससे तो हम निपट नहीं पाते, मगर जो मनुष्य के द्वारा दिया जाता है या जो आतंकवादी माइंड है, आखिर वो चीज़ें जड़ से आ कहाँ से रही हैं, उसको समाप्त करने के बारे में सोचें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लास्ट में यही कहूँगी कि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। बट आज मुझे वोट देने के लिए मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि सारे काम धंधे छोड़ो, खाना पानी बाद में करना, पहले जाके वोट दे के आओ। और हैप्पी मदर्स डे ऑल मॉम्स, और मैं चाहूँगी सारी मम्मियाँ खुश रहें। यूथ के लिए तो मैं सबसे पहले यही मुद्दा लेकर आई हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशनल फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हो, और आईटी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉलेजेस जो कि भोपाल में नहीं है वो खुले, और सिक्योरिटी मेन मुद्दा है मेरे लिए तो, और यही सारे मुद्दे हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था वोट करने का, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि देखते हैं कि मैं जिसको वोट करती हूँ वो जीतता है कि नहीं। पहली बात तो जो डेवलपमेंट कर रहा है या यूथ के लिए कुछ कर रहा है, जैसे कि जॉब्स के लिए या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, ऑब्वियसली हम उससे ही वोट करेंगे, तो देखा जाएगा रिजल्ट के दिन। आप मानते हैं कि राजनीतिक दल है लगातार युवाओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रोजगार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल, नहीं तो आज इतने मुद्दे नहीं हो रहे होते अगर सब कुछ सही सही चल रहा होता तो। पर इतना पॉसिबल भी नहीं है कि एकदम 100% एम्प्लॉयमेंट हर किसी को दिया जाए, तो वो लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो लोग कितना ट्राई कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाला। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह की सियासी आबरू भी दांव पर है। दिग्विजय सिंह जीत जाते हैं तो बड़े नेता हैं ही माने जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक अगर उनके आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं तो दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी समर के आखिरी चरण के नजदीक आते ही नेताओं के बोल पहले से ज्यादा बिगड़ गए हैं। इस बार कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना उस बहू से की जो काम कम करती है और चूड़ियां ज्यादा बजाती है। सिद्धू अपने उटपटांग बयानों से चर्चा में रहना चाहते हैं और इसमें उन्हें थोड़ी कामयाबी भी मिलती है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। जो रोटी कम मिलती है और चूड़ियां ज्यादा खाता,
होगी थी उस दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है ताकि मोहल्ले वालों को ये पता चले कि वो काम कर रहे हैं। बस यही हुआ है मोदी सरकार ने। मुझे अपनी एक उपलब्धि बता देंगे, मैं चौथी बार पांचवी बार आठवीं बार पूछ अपनी एक उपलब्धि बता दें मोदी साहब, क्योंकि अब आप भगोड़े हो गए, राष्ट्रवाद की शरण में चले गए। मैं राष्ट्रवाद की शरण से ही आपको खींच के बाहर लाऊंगा। मुझे यह बता दें कि अगर नोटबंदी मुद्दा थी, और आप कहते हो कि नोटबंदी में आपने बहुत जबरदस्त कार्य किया है और जीएसटी में आपने बहुत जबरदस्त कार्य किया है, तो आप उन मुद्दों पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ये तो थी राजनीति की बातें। अब बात करते हैं मौसम की। ज़्यादातर इलाकों में झुलसती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन हवा में धूल की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मौसम ऐसा ही बना रहेगा और धूल भरी आंधी चलेगी। कुछ इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। मौसम में ठंडक ज़रूर है, राहत भी मिली है गर्मी में, मगर जो आपने सुबह से महसूस किया होगा कि धूल का गुब्बार उड़ा हुआ है, धूल के बारीक बारीक कण आपको नज़र आ रहे हैं सुबह से। मौसम विभाग से बात की, मौसम विभाग ने साफ किया कि अगर बारिश हो जाती है, जो बादल बने हुए हैं उससे बारिश हो जाती है, तो ये धूल का गुब्बार शांत हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर बारिश नहीं होती है तो 3 से 4 दिन ये धूल का गुब्बार झेलना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये धुंध क्यों बनी है। ये धुंध राजस्थान से चल रही हवाओं के कारण बनी है और पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण धुंध आसपास छाई हुई है। दिल्ली NCR की बात करें तो वहाँ पर प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों का साफ कहना है कि इस तरीके से अगर प्रदूषण का लेवल बढ़ा रहा तो सांस की दमे की बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मौसम ऐसा ही रहेगा और 9 तपे तक लुका छुपी सूरज के साथ बादलों की होती रहेगी, लेकिन अभी तीखी गर्मी का दौर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, हम लौट के आते हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर बाकी है, ऐसे में भीषण गर्मी को देखते हुए धार कलेक्टर ने मतदान दलों को अपने साथ प्याज रखने का अनोखा आदेश जारी किया है। वैसे प्याज में इतनी ताकत होती है कि वह इंसान को लू लगने से बचा लेता है।
देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। धार कलेक्टर की बात में दम है और इसको सभी मतदान कर्मचारियों को मानना चाहिए और उद्यानिकी विभाग को भी जल्द से जल्द प्याज उपलब्ध कराने चाहिए ताकि लोगों को लू ना लगे जो ड्यूटी के दौरान 12 से 14 घंटे तक भीषण गर्मी का सामना करते हैं। अब खबर छतरपुर से है। छतरपुर में भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। इस गर्मी में लोग पीने के पानी को तरस जाते हैं, लेकिन नौगांव अदालत में एक बुजुर्ग पिछले 25 सालों से आने वालों को निशुल्क पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। पच्चीस साल से कब से मतलब आपने और पानी पिलाने से आपको कैसा लगता है? आप हमें सुख मिले और आपके इससे पानी पिलाने के बाद कुछ मिलता है आपको? जी ने जो कुछ दे दो सो ले ला, बाहर से अब मिलने लगी 500 रुपये। वो आज विगत 20-25 वर्षों से लगातार निस्वार्थ निःशुल्क सभी अधिवक्ताओं को एवं जितने पक्षकार आते हैं सभी को पानी सीट पर जा के पिलाता है। और जितने हमारे न्यायालय प्रांगण में वृक्ष लगे हुए हैं आज उसी की देन है। वो प्रत्येक साल माने प्रतिवर्ष माने डेली उसमें पानी डालता है, उसी के दम पर ये आज हमारे हरियाली है। मैं वर्ष 1985-86 से नौगांव न्यायालय में सेशन न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ और मैं देखता चला आ रहा हूँ कि दुर्गा प्रसाद सेन जो न्यायालय परिसर में जो पक्षकार आते हैं उनको निःशुल्क पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें बैठने के लिए बताते हैं और मतलब हर प्रकार से मैं किसी भी पक्षकार को कष्ट नहीं होते, प्यासे को पानी पिलाते हैं, पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए उनमें भी पानी डालते हैं, परंतु वो सब निःशुल्क करते हैं। शासन की ओर से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। कई बार नगर पालिका परिषद उन्हें 2 महीने के लिए नियुक्त करती है परंतु 2 महीने बाद उनका पारिश्रमिक देना बंद कर देती है। बाकी 10 महीने दुर्गा प्रसाद सेन फ्री काम करते हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। संत हिरदाराम नगर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ अहमदाबाद ले गए थे और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। उनकी माँ का एक फ़ोन आया हमारे पास, वो शिकायत भी आई कि हमारी बच्ची जो है दिख नहीं रही। 6 तारीख की घटना है और रात्रि में उन्होंने जब तलाश करने के बाद में मिला नहीं तो
कोर्ट में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया और तलाश करने पर हमें कुछ ये मालूम पड़ा कि एक इस लड़के के से उसका बातचीत ज्यादा कदा होती रहती है। प्रकरण में मालूम पड़ा कि यूनुस की एक शादी पहले भी हो चुकी है और वो अपनी पत्नी को छोड़ चुका है। प्रकरण में दोनों अभियुक्तों मलखान, ये इसमें मलखान और ये लोग यूनुस, ये पहले बस से चले गए थे तो मतलब पूर्व नियोजित रूप से वो अपने साथ में बच्ची के साथ में विवाह कर रहे थे, उसकी मानसिकता भी थी और इस उद्देश्य से ले गए थे और इनको दस्तयाब किया है। प्रकरण में इनके विरुद्ध में 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत और 120 भी के तहत जो है कार्रवाई की गई है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ऐसे मामलों में देखा गया है कि कई बार पुलिस कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और लड़की को बरामद किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऐसे में समाज के साथ परिवार की भी जवाबदारी बनती है कि वो भी अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। वन विभाग बेखबर सोता रहता है। वन डिपो के पास तेंदू की खाल बेचने के लिए घूम रहे शिकारियों को पुलिस ने दर्दों पूछा। ये शिकार के आरोपी भोरमदेव अभयारण्य के आसपास जानवरों को अपना निशाना बनाते थे और फिर उनकी खाल निकाल कर बाजार में बेचते थे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इसमें मुखबिर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक समनापुर गांव के, दरियो गांव के और फिर पास में रेंगाखार के खमरिया गांव के कुछ युवकों के द्वारा एक तेंदुआ का खाल है उसको बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में सूचना पर जाल बिछाया गया और इनसे ग्राहक के रूप में सौदा किया गया, जो पहले 10 लाख रुपये में बेचने का बात करते, जो 5 लाख रुपये में एक सौदा तय हुआ था। और बताए स्थान पर इनके द्वारा लोहारा से नज़दीक एक फॉरेस्ट बेरियर से पहले बताए स्थान पर इनको सौदा के लिए बुलाया गया और वहां पर इनसे बातचीत करते हुए इनको खाल के साथ में इसको गिरफ्तार किया गया है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। गुंडों की मारपीट से घायल हुए व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ये गुंडे शहर का डॉन बनने के लिए अपराध कर रहे थे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। शाहजहांपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद टिप्पणिया ने जब कबीर भजन गाया तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने मोबाइल से उनका वीडियो बनाया। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। टिप्पणिया कबीर भजन गायकी में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब हम छोड़ के जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं। मैं हूं जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, आजकल तो इलेक्शन में ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, बहुत मजा आ रही है बता रहे हूं। अभी कल की एक खबर सुन लो, ये दिग्विजय सिंह के समर्थन में कंप्यूटर मोबाइल वाले बाबा हैं। कौन से बाबाओं के नाम भी देखो, टेक्निकल हो गए आजकल वो, है ना, तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये तंत्र मंत्र का उपयोग करना है तो अच्छे कामों में कर लो भैया, थोड़ा ये आतंकवाद समाप्त करवा दो, ये भ्रष्टाचार दूर भगाओ, ये चीज़ ऐसे काम करो इनके लिए। बाबाओं को मैं बता रही हूँ, ये बाबा वही है, इनको पीछे राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया था। और मैं बता रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूँ अगले चुनाव के बाद, हो सकता है मेरे को मंत्री मंत्री बना दें। बाबा को धंधा अच्छा है बता रही हूँ। वो ये खबर ये देख लो, प्रियंका गांधी और ये यानी अब चुनाव में इनको जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होती है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहले इनको ये दुर्योधन वगैरह बोल रही है मोदी को, और उसके बाद ये राष्ट्र कवि दिनकर की कविताएं सुना रही है, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, बताओ। अब ये कविताएं वगैरह इनको समझ में आती है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उपयोग बहुत अच्छा हो रही है। हाँ, ये तो चल रहा है। और ये प्रज्ञा ठाकुर इनको है ना, ये मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आई थी, इनको इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। कल में मोटरसाइकिल वगैरह पर देखा इनको, धूप में घूम रही थी पूरे शहर में। और मुझे लगता है कि हो सकता है ये धूप से उनको भी कुछ फ़ायदा मिलता हो, और चुनाव में तो घूमना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है बता रही हूँ। वो ये कांग्रेसी लोग देखो भैया, गट्ठे भर भर के है ना, वो शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुँच गए, वहाँ पर वो सब सबूत देने के करीब माफ़ी के। उन्होंने कहा भैया बैंक वाली लिस्ट लाओ, ये कौन सी लिस्ट लेके आ गए, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनको पता है माफ वाफ़ कैसे होता है बता रहे, ये सबूत ले लेके जा रहे हैं, मतलब क्या परंपराएं शुरू हो गई हैं बता दो। वो उनकी सरकार आ गई फिर से तो फिर ये लेके जाएंगे सबूत, ये तो चल रहा है बता रहा हूँ। एक दूसरे को नीचे दिखाने में है ना, कोई कदर छोड़ नहीं रहे बता रही हूँ। हाँ, ये चल रहा है। वो आजकल कैलाश विजयवर्गीय नहीं दिख रहे, और वो मुझे पता लगा वहाँ गए हुए पश्चिम बंगाल, वहाँ पे है ममता बनर्जी को बहुत टेंशन में ला दिया उन्होंने, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, हमारे मध्य प्रदेश के हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने सुना है उनकी ससुराल भी वहीं है, तो वहाँ पे स्वागत वागत भी अच्छा होता होगा उनका। और मैं बता रहा अभी क्या रिजल्ट आ रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, वो ऐसे लपक के नंबर मिल रहे हैं 500 में से 499,
यदि मतलब बच्चों को ना वो शिक्षक शिक्षा मजदूर बना दिया बता रहे हो, यदि मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से लपक के, स्कूल से आए बस्ता फेंका और फिर कोचिंग जाओ, ये पूरे 24 घंटे पढ़ाई वढ़ाई, ये खेलना कूदना उनका बंद हो गया बेचारों का, वो नंबर देख के बड़े खुश होते हैं माँ बाप। हमें बता रहे हैं उनका मानसिक विकास भी तो ज़रूरी है, वो ये जो जाँचने वाले कॉपी पेपर बनाने वाले पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे टाइम में तो 60% आ जाते थे पूरा मोहल्ले मिठाई बांटता था, वो अब तो भैया हर आदमी मिठाई बांट रहा है, 90% से किसी की कम नहीं आते, तो ये था तो चल रहा है मजदूरी चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं भी सोच रहा हूँ भैया फिर से है ना अपनी परीक्षा दे लूँ, अपना परसेंटेज सुधार लूँ, लपक के नंबर मिल रहे हैं इस समय। हाँ तो भैया मैं चला कोचिंग पढ़ने, नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।